तो बच्चों एक हम लोग मैकेनिक्स की बहुत ही अच्छी एडवांस लेवल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम इज ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड वेट डब्ल्यू स्टैंड्स वर्टिकली टचिंग ए वर्टिकल वॉल। वॉल जो वर्टिकल वॉल है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इट्स लोअर एंड बीइंग टू स्लाइड अलॉन्ग फ्लोर। फ्लोर जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस माना गया है। Obtain an expression for the angular velocity omega of the rod as a function of theta. ठीक है, first part तो थोड़ा आसान है, but second part जो है वो बहुत ही अच्छा है इसमें। Determine the distance moved by the lower end at which the rod no longer touches the vertical wall. Neglect the friction everywhere. एक rod है, ठीक है, और initially ये rod जो है वो wall को vertically touch कर रही थी। ठीक है, ये वॉल रही होगी और रॉड कुछ इस तरह से ये वर्टिकली टच कर रही थी। फिर अचानक से इसका लोअर एंड जो है उसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाता है और ये स्लिप करना शुरू कर देता है। इस तरह से किसी एंगल थीटा पे मूव करना ऐसे स्लिप करने लगेगा, इस तरह से स्लिप करने लगेगी रॉड, राइट। तो इन्होंने कहा है कि जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है एंगल थीटा पे, ये तो सिमिलर क्वेश्चन है, सबने किया हुआ है, बट इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। डिटरमाइन द डिस्टेंस, इसका लोअर एंड ये कितनी डिस्टेंस चलेगा जब ये यहाँ पे वॉल पे इसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं रह जाएगा, तब आपको बताना है कि ये कितना मूव करेगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी को अप्रोच करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारी वॉल है और ये हमारी रॉड है। इस पॉइंट को 0 0 मान लेते हैं ओरिजिन। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। रॉड का मास m और लेंथ अगर l मानेंगे तो जो w है वो वेट दिया गया है, दैट इज़ mg। ठीक है, तो mg w है, w लिख सकते हैं या mg लिख सकते हैं। अब ये जैसे इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया गया और ये स्लिप करना शुरू कर देती है, तो किसी भी एंगल थीटा पे जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। तो चूंकि ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, देयर इज नो फ्रिक्शन, नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्किंग इन दिस केस। कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो वी कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बच्चों हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बॉडी में ट्रांसलेटरी और रोटेशनल दोनों मोशन हो रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फिर वही है, या तो हम काइनेटिक एनर्जी लिखें इस तरह से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिलेटिव टू ग्राउंड। तो यहाँ पे हाफ आई सेंटर ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। बट इसके लिए हमको वी सेंटर ऑफ मास और ओमेगा में फिर एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, जो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। बट इसके लिए हम डायरेक्टली हम लोगों ने डिस्कस किया है एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ आई अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन IAR इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो किसी भी रिजिड बॉडी के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो एक्सिस होती है जिसके अबाउट हम एक रिजिड बॉडी को ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन अगर कर रही है तो उसको प्योर रोटेशन में मान सकते हैं एक इंस्टेंट के लिए। ठीक है ना, और अगर हम उसके अबाउट प्योर रोटेशन में माने और सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी वही आती है जो एक्चुअली में है, तो उस पॉइंट को हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। तो जब दो बॉडी, जैसे इस बॉडी में जो ये वाला पॉइंट होगा इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, इसे मैं अगर ए कह दूँ, इस पॉइंट को बी कह दूँ, तो जो बी वाला पॉइंट है वो डाउनवर्ड आ रहा होगा, नीचे की तरफ उसकी वेलोसिटी होगी। तो अगर किसी रिजिड बॉडी के दो पार्टिकल्स की वेलोसिटी की डायरेक्शन पता है और जो कि पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है, तो उनसे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस तरह से, तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। और यहाँ से पास होने वाली जो एक्सिस होती है, दिस इज़ योर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं तो डायरेक्टली इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन मानते हुए काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग थीटा के फंक्शन में इनिशियल पोजीशन ये थी, और ग्राउंड को अगर जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान लें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो स्टेट मान लें, तो सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है इनिशियली एल बाई टू होगी, और फाइनली ये हाइट जो होगी एल बाई टू, ये एल बाई टू है और ये वर्टिकल हाइट एल बाई टू साइन थीटा होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं, इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इनिशियल पुट अगर ग्राउंड पे ज़ीरो है तो एम जी एल बाई टू, ठीक है, एम जी को आप चाहें तो डब्ल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, बाद में आ जाएगा एम जी एल बाई टू साइन थीटा, और हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं कि आई सी आर या आई ए आर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ये लेंथ एल है, ये वाली जो लेंथ होगी, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, दिस इज योर एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, एंड दिस लेंथ इज एल साइन थीटा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इससे अगर हम हाइपोटेनस के को बाइसेक्ट करें, बीच मिड पॉइंट को मिलाएं, तो ये एल बाई टू और ये तीनों बराबर होती है, एक सिंपल थ्योरम होती है, तो या आप चाहो तो कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हो, तो दिस लेंथ इज एल बाई टू, ठीक है, या फिर आप इस पॉइंट को जीरो जीरो मानेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एल बाई टू कॉस थीटा कॉमा एल बाई टू साइन थीटा होंगे, और इसके कोऑर्डिनेट एल कॉस थीटा कॉमा एल साइन थीटा होंगे। फिर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के भी आप निकाल सकते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना है पेज के परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास हो रही है, तो पहले एक एक्सिस यहाँ से लेंगे और एक ये लेंगे, दोनों में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस एम एल बाई टू का होल स्क्वायर, तो बाई चांस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई थ्री ही आएगा। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एम जी एल बाई टू वन माइनस साइन थीटा, इसको इधर ले आएंगे, वन बाई टू ये आएगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसमें डायरेक्टली हमने काइनेटिक एनर्जी लिख ली विदाउट यूजिंग द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसमें हमें दो वेरिएबल आ जाते हैं तो एक इक्वेशन और बनानी पड़ती, तो इसलिए ये मैथड यहाँ पर आसान पड़ता है हमारे लिए अगर हम इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन वाला मैथड यूज़ कर ले। तो यहाँ से हम सिंपली करके सॉल्व कर सकते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट थ्री जी ब्रैकेट में वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय एल। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है जो कि सबने किया होगा, शायद नहीं किया है तो समझ लीजिए वेल नोन क्वेश्चन है ये, बट इसका सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए देखते हैं कि हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए हम लोग एक नेक्स्ट शीट में सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए हम लोगों ने ओमेगा कैलकुलेट कर लिया, तो मैं ओमेगा स्क्वायर लिख लेता हूं। अब इन्होंने ये कहा है कि अगर हम दोबारा से क्वेश्चन को देख लें, ये जैसे रॉड है तो ये जो लोअर एंड है ये कितना मूव करेगा, ये डिस्टेंस डी कैलकुलेट करनी है जब यहाँ पे कांटेक्ट छूट जाएगा। तो बेटा यहाँ पे कांटेक्ट छूटने का मतलब है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन जब ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पे कांटेक्ट छूट जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो बेसिकली हमको ये देखना है कि जब ये नॉर्मल ज़ीरो हो रहा है, वॉल पर जो नॉर्मल है वो ज़ीरो हो रहा है, तो उस सिचुएशन पे ये लोअर एंड की जो डिस्टेंस होगी, क्योंकि इनिशियली यहाँ पे था, ये डी हमें कैलकुलेट करनी है कि उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितनी कवर करिए। अब आप देख लो कि रॉड पे एक वर्टिकल फोर्स यहाँ एम जी लग रहा था, यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा होगा एन डैश मान लेते हैं, तो इकलौता हॉरिजॉन्टल फोर्स यही लग रहा है। तो अगर मैं न्यूटन्स लॉ लिखूंगा किसी जनरल सिचुएशन में, तो सेंटर ऑफ मास के लिए जो एक्स एक्सेल डायरेक्शन में एक्सेलेशन होगा ये आएगा, और अगर नॉर्मल ज़ीरो कर रहे हैं इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कंपोनेंट होगा एक्सेलेशन का वो ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब हमें बेसिकली ये डिस्टेंस उस वक्त ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है जब सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बच्चों ज़ीरो होगा, उस वक्त हमें ये पता करना है कि ये डिस्टेंस डी कितनी है। तो अगर हमें ये थीटा पता चल जाए, ये लेंथ पता है,
तो उस सिचुएशन में अगर ये थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो डी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कॉस थीटा लगा करके हम डी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम कोशिश करते हैं थीटा के टर्म में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की, हम लोग कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, तो बेटा ये हमारा 0.0 है। अगर किसी भी टाइम पे इसके कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट x, y मानेंगे तो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो होगा वो सेंटर ऑफ मास की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाई dt, x कंपोनेंट का डिफ्रेंशिएशन होगा। या ये कहें कि सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट को अगर हम दो बार डिफ्रेंशिएट ले लें करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगी। तो बेसिकली हमको सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन मिलेगा, सेंटर ऑफ मास की जो पोजिशन वैक्टर है x कोऑर्डिनेट है उसको दो बार डिफ्रेंशिएट करके मिलेगा बेटा, ठीक है। तो चलिए हम x कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं कि x कोऑर्डिनेट हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो अगर हम देखें x कोऑर्डिनेट कहाँ से आएगा, तो ये इसे मैं इक्वेशन नंबर कुछ 1 मान लेता हूँ, चलो इसे मानने की ज़रूरत नहीं है। x कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे, अगर ये ओरिजिन है और ये थीटा है तो ये पूरी लेंथ जो होगी वो l बाई 2 cos थीटा होगी, और ये जो लेंथ है ये l बाई 2 cos, ये l cos थीटा होगी, और ये आधी x जो होगी वो l बाई 2 cos थीटा होगी। तो x सेंटर ऑफ मास जो होगा, x सेंटर ऑफ मास ये है l बाई 2 cos थीटा। इसे अगर मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा x डायरेक्शन में, और ये l बाई 2 cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा d थीटा बाई dt, d थीटा बाई dt एंगुलर वेलोसिटी है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी x डायरेक्शन में आ रही है माइनस l बाई 2 साइन थीटा इंटू ओमेगा। और अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूंगा मैं इसे टाइम के रिलेटिव में तो ये माइनस एल बाई 2 में कॉमन ले लेता हूँ, इसका फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी इंटू सेकेंड टर्म, प्लस सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन डी ओमेगा बाई डी टी इंटू सेकेंड टर्म साइन थीटा। तो डी थीटा बाई डी टी वंस अगेन ओमेगा आ जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आएगा बेटा, जिसकी वैल्यू होगी माइनस का ये ओमेगा स्क्वायर है एल बाई टू ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और ये माइनस एल बाई टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड इंटू साइन थीटा। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर कुछ भी मान लेता हूँ, सपोज इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमने निकाला, तो बेसिकली ये एक्सेलरेशन हमें ज़ीरो करना है, क्योंकि जब ये एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तभी नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो होगा, तभी वॉल से कॉन्टैक्ट रिलीज करेगी रॉड। और ये एक्सेलरेशन ज़ीरो के हमें थीटा निकालना है, बट यहाँ पे अल्फ़ा अननोन है हमारे लिए, मतलब अल्फ़ा हमें पता हो, अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू थीटा के टर्म में पुट कर दें तो कुछ भी अननोन नहीं रह जाएगा, फिर हमें डायरेक्टली थीटा की वैल्यू मिल जाएगी इसको ज़ीरो करके। तो जो ओमेगा स्क्वायर की फर्स्ट इक्वेशन, इसे मैं मान लेता हूँ ये वाली ओमेगा स्क्वायर की जो इक्वेशन बच्चों हमने निकाली कैलकुलेट करी है, इस इक्वेशन को अगर मैं टाइम के रिलेटिव में डिफ्रेंशिएट कर दूँ दोनों तरफ तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख लेता हूँ मैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3g ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई एल। इसको टाइम के रिलेटिव में अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो इक्वेशन शायद बनेगी 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, टाइम के रिलेटिव में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 3g डिवाइड बाई एल, और ब्रैकेट में ये आएगा माइनस का साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है, तो ये डी थीटा बाई डी टी ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये डी ओमेगा बाई डी टी अल्फ़ा आ जाएगा, और ये 3g बाई 2l अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी, और ये कॉस थीटा आएगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 कह रहा हूँ। तो इस अल्फ़ा की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके सेंटर ऑफ मास का x कॉम्पोनेंट निकाल लेता हूँ एक्सेलरेशन का। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो माइनस एल बाई 2 ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और ये जब यहाँ डालेंगे पुट करेंगे तो एल बाई 2 साइन थीटा, और अल्फ़ा की वैल्यू 3g बाई 2l कॉस थीटा माइनस का आएगा, प्लस हो जाएगा, ये हमारा
एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका सिंपल कर लेते हैं इसको, चलिए तो ये आ रहा है एल ओमेगा स्क्वायर बाई टू कॉस थीटा, और एल से एल कैंसिल आउट हो गया, ये आ रहा है प्लस का थ्री जी बाई टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये बेटा हमारा एक्स कंपोनेंट आ गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर देखो, तुम सिर्फ थीटा है और ओमेगा हमें पता है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम आसानी से पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर दें तो ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 3g ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर देते हैं तो 3g ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई एल प्लस 3g बाई टू साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। अब ये हमारा ये एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3g बाई टू भी कॉमन आ जाएगा, एक कॉस थीटा और था, ये एक कॉस थीटा और है यहाँ पे इन टू में, एक कॉस थीटा और है, इसको करना है हमें ज़ीरो। अब आप देखिए सिंपल, ये एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ गया, इसमें ना ओमेगा है क्योंकि ओमेगा भी वेरिएबल है बदल रहा है, अल्फ़ा भी नहीं है, ओमेगा और अल्फ़ा दोनों को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ गया है। इसे ज़ीरो करेंगे, जब इसे ज़ीरो करेंगे तो यहाँ से आप ज़ीरो कर देंगे तो एक टर्म कॉमन आ जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा वाला टर्म कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा 90 डिग्री है, वहाँ पर वो सोल्यूशन नहीं होगा हमारा, वो इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा बिकॉज वहाँ भी नॉर्मल ज़ीरो था। तो आप ये कह सकते हैं कि 3g बाई टू और यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन आ रहा है और एक ब्रैकेट में रह जाएगा, अगर मैं 3g बाई टू कॉस थीटा कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से ये माइनस का वन तो 3g यहाँ पे ये 3g बाई फोर आएगा, दिस इज फोर, ठीक है। तो 3g बाई टू अगर कॉमन ले लेंगे तो माइनस वन प्लस साइन थीटा प्लस ये साइन थीटा बाई टू आएगा इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको ज़ीरो करके थीटा 90 मिलेगा विच इज़ नॉट द सोल्यूशन जो रिक्वायर्ड है हमें। तो इसको ज़ीरो कर देंगे तो 3 बाई टू साइन थीटा इज इक्वल टू वन, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू बेटा 2 बाई थ्री आ जाएगी, मतलब जब साइन थीटा की वैल्यू 2 बाई थ्री होगी उस वक्त हमारी जो रॉड है वो कॉन्टैक्ट छोड़ देगी, तो साइन थीटा की वैल्यू 2 बाई थ्री है। अब अगर हम देखें वापस डायग्राम को तो साइन थीटा की वैल्यू 2 बाई थ्री पे ये नॉर्मल ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम साइन थीटा अगर लगाना चाहें या कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें तो कॉस थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 4 बाई नाइन तो इट इज़ अंडर रूट 5 बाई थ्री, ये कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। और कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है डी अपॉन हाइपोटेनस की लेंथ एल है, तो डी की वैल्यू जो आ जाएगी इट इज़ अंडर रूट 5 बाई 3 इंटू एल, तो दिस इज़ द आंसर दैट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। रूट 5 बाई 3 एल विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोअर एंड व्हेन अपर एंड विल लीव द कॉन्टैक्ट विद द वॉल, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो सेकेंड पार्ट है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है, और इसमें हमें और बेसिकली यहाँ से अप्रोच करना था कि जब कॉन्टैक्ट ज़ीरो होगा तो ये नॉर्मल ज़ीरो होगा और कोई दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स लग नहीं रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का ज़ीरो होगा। तो बस हमें एक्स कंपोनेंट जो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट निकालना था एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो उसे हमने एक जनरल थीटा के टर्म में पोजिशन लिख लिया और उसे दो बार डिफ्रेंशिएट कर लिया और ओमेगा की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू उसमें रिप्लेस कर दी ताकि हमारा ओमेगा और अल्फा ना आए, थीटा के फंक्शन में हमारा एक्स कंपोनेंट एक्सेलरेशन का आ जाए। तो ओके बच्चों, दिस इज़ वेरी गुड प्रॉब्लम।